गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस हिंदी ऑनलाइन क्लास में हमारे हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर 12 पर्यायवाची को डिस्कस किया था, अगर आप सभी को उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सब दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 ग्रामर के ही विलोम शब्द। हमने पहले भी विलोम शब्द किए हैं, कई बार रिवीजन में भी किए हैं, आज हम एक बार फिर से विलोम शब्द करेंगे। तो सभी अपनी बुक और नोटबुक दोनों ओपन करेंगे, बुक का पेज नंबर 46। सबसे पहले हम विलोम शब्द समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले सभी अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे विलोम शब्द की परिभाषा। विपरीत अथवा उल्टा, विपरीत अथवा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय सफ़ेद होती है, भैंस काली होती है। इसके अलावा ये देखिए हमारी बुक में चित्र भी दिया हुआ है। किसी भी शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं, यानी कि उसका एकदम ऑपोजिट। ठीक है, जैसे दिन का रात, काला का सफ़ेद, धरती का आकाश, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे विलोम शब्द। ठीक है, तो सभी अपनी बुक में, नोटबुक में ये मेंशन कर लीजिए जहाँ हमने परिभाषा लिखी थी, इसके जस्ट नीचे से हम विलोम शब्द लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर एक डालेंगे अपना, यहाँ लिखेंगे शब्द, यहाँ लिखेंगे विलोम, यानी कि उसका उल्टा। अपना का उल्टा क्या होता है? अपना का उल्टा होता है पराया। नंबर दो पर लिखेंगे अमृत, अमृत का उल्टा होता है विष, विष यानी जहर। नंबर तीन पर लिखेंगे अगला, अगला का जो ऑपोजिट है या बिल्कुल उल्टा शब्द होता है वो होता है पिछला। नंबर चार पर लिखेंगे असली, असली का ऑपोजिट होता है, विलोम शब्द होता है नकली। ये विलोम शब्द हमारी बुक में जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 13, उसी के हैं। अगर कहीं कुछ आपका छूट जाता है तो आप बुक में से भी लिख सकते हैं। बुक के अलावा एक भी जो विलोम शब्द है वो बाहर से नहीं है, हम बुक में से ही कर रहे हैं। रीड एंड राइट करेंगे, बोल बोल के लिखेंगे सभी बच्चे। असली का लिखा हमने नकली, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 5 अधिक का कम। अधिक मतलब बहुत ज़्यादा, कम मतलब कम, कम मात्रा में। नंबर 6 पर लिखेंगे आना, आना का उल्टा होता है जाना। नंबर 7 पर लिखेंगे आज, आज का उल्टा कल। नंबर 8 पर लिखेंगे आस्तिक, भगवान में विश्वास रखने वाला, नास्तिक ईश्वर को नहीं मानने वाला। आस्तिक यानी जो विश्वास रखता है ईश्वर में, नास्तिक जो नहीं रखता है। नंबर 9 आदर, किसी का सम्मान करना, आदर करना, उसका बिल्कुल उल्टा होता है निरादर करना, यानी आदर नहीं करना। नंबर 10 अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। नंबर 11 अमीर, रिच जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, गरीब पुअर जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो या पैसों का अभाव हो, रुपयों का अभाव हो। नंबर 12
आशा, आशा का उल्टा क्या होता है? निराशा। नंबर 13, आरंभ, किसी भी चीज की शुरुआत करना। शुरुआत होगी तो अंत तो होगा ही, तो उसका उल्टा उल्टा जो एकदम होता है वो होता है अंत। नंबर 14, 14 पर लिखेंगे उपकार। उपकार को ऑपोजिट अपकार, इसका बिल्कुल विपरीत अर्थक शब्द। नंबर 15 पर लिखेंगे उचित, जो सही हो, इसका उल्टा अनुचित यानी कि गलत। नंबर 16 पर लिखेंगे उत्तर, जो कि एक दिशा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट दिशा होती है दक्षिण। जैसे हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। नंबर 17 पर लिखेंगे उदय, उगना, अस्त, छिपना। सूर्य उदय भी होता है और अस्त भी होता है, तो उदय का ऑपोजिट अस्त। नंबर 18 पर लिखेंगे उल्टा। उल्टा का सीधा। नंबर 19, नंबर 19 पर लिखेंगे ऊपर। ऊपर का विलोम शब्द नीचे। नंबर 20, इच्छा। इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा यानी इच्छा ना होना। नंबर 21, उधार। उधार का ऑपोजिट नकद। मात्राओं का ध्यान रखेंगे। नंबर 22, एक। इसका बिल्कुल उल्टा होगा अनेक यानी बहुत सारा। नंबर 23, ऊंचा। ऊंचा का ऑपोजिट होगा नीचा। नंबर 24, कठोर यानी कि सख्त। उसका बिल्कुल उल्टा क्या होगा? कोमल यानी कि सॉफ्ट। नंबर 25, अंदर। अंदर का उल्टा क्या होता है? बाहर। नंबर 26 पे लिखेंगे अंधकार। अंधकार यानी अंधेरा, तो अंधेरे का तो होगा प्रकाश। प्रकाश मतलब उजाला। नंबर 27, कायर, जो डरता हो। वीर, जो किसी से ना डरे, बहादुर हो। नंबर 28 पर लिखेंगे क्रोध। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। इसका बिल्कुल जो ऑपोजिट होता है या विपरीत होता है या विलोम होता है वो होता है क्षमा। किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना। 29 नंबर पे लिखेंगे खट्टा। खट्टा का बिल्कुल उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम क्या होगा? मीठा। नंबर 30 पर लिखेंगे मोटा। मोटा का विलोम शब्द होगा पतला। नंबर 31 पे लिखेंगे चतुर यानी चालाक, और उसका विलोम शब्द होगा मूर्ख, जिसे ज्ञान ना हो, मूर्ख हो। नंबर 32 पर लिखेंगे जीत। जीत का होगा हार। जीतना, हारना। जीतना का होता है हारना विलोम शब्द, और जीत का हार। नंबर 33, नंबर 33 पर लिखेंगे गरम। गरम का विलोम शब्द होगा ठंडा। नंबर 34 पर लिखेंगे गीला। गीला का होगा विलोम शब्द सूखा।
35 पर लिखेंगे काला। काला का विलोम शब्द क्या होगा? सफेद। इसके बाद कच्चा। कच्चा का विलोम शब्द होगा पक्का। इसके बाद लिखेंगे गोरा। गोरा का बिल्कुल विलोम शब्द क्या होगा? काला। 38 पर लिखेंगे गुण। गुण के जो गुण का विलोम होता है दोष। गुण का मतलब बहुत सारी जो आप में खूबियां हैं, गुण हैं, और दोष मतलब जो हमारी कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं। 39 पर लिखेंगे घर। घर का बिल्कुल विलोम उल्टा क्या होगा? बाहर। ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो यहाँ जो हमारे विलोम शब्द हैं वो ख़त्म होते हैं। हमारे विलोम शब्द हैं 39। आप सभी इनको अच्छे से लर्न एंड राइट करना, इनको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली लर्न करना, या आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से विलोम शब्द आएंगे। ठीक है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। हमारी अगली ऑनलाइन क्लास में अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे हमारी अगली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।